नमस्कार मित्रों, शारदा बाल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 6। दिस इज जोड़ी पा, मतलब जोड़ी का एक मृग शावर। जोड़ी का एक मृग शावर, जिस प्रकार आप किताब में देखिए और इस चित्र के अंदर आपको सारा सारा दृश्य नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ऑफन इनिशिएट्स अ प्रोसीडिंग्स टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्यूर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, यानी लगभग क्या होता है कि हमारे अगर घर पर कभी चोट लग जाती है, क्या लग जाती है, तो चोट जब लग जाती है तो कई वस्तुएं हमारे घर के अंदर ऐसे होती है कि हम उसका इलाज घर पर ही कर लेते हैं, है ना। कई प्रकार की वस्तुएं होती है छोटी बड़ी, यानी प्राथमिक उपचार जिसको बोला जाता है, वो हम घर पर ही करते हैं। करते हैं नहीं करते? तो उसके अंदर कैसे कैसे होते हैं, जैसे ये कहता है ए कट ऑफ योर नी, जब आपका घुटने पे कोई कट आ जाता है, मान लीजिए स्क्रेच आ जाता है, लग जाती है, ठीक है। एक बर्न ऑन योर आर्म, आपकी भुजा अगर जल जाती है, आपकी भुजा अगर जल जाती है तो उसके लिए भी, और एबिसिंग्स, और जब मान लीजिए आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है, और जब आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है तो आप भी बता सकते हैं ना भाई, आपके कभी अगर इन तीनों चीजों में से कोई हुआ है तो आप भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया, बताओ। देखिए आपने अपने घर में प्राथमिक उपचार कौन कौन से किए, बताइए। हाँ बताइए। मधुमक्खी लगती है तो दवाई लगाते हैं। कौन सी दवाई लगाते हैं? दवाई तो बतानी है ना। हाँ बताइए आप। कोलगेट लगाते हैं। हाँ सोफ्रामाइसिन ट्यूब आपके घर पे थी, उसको लगाया, ठीक है। मधुमक्खी खाते हैं तो बताते हैं, भैया बता रहा है कि नमक जो घर पे अंदर उपलब्ध होता है उस नमक का ऊपर लेपन करते हैं। मधुमक्खी खाती है तो हम लोहे से रगड़ते ही मधुमक्खी जहर निकलता है। हाँ, पुराने लोहे की कोई अगर घर के अंदर कोई वस्तु है तो उसको उसके ऊपर जहां पर जिसने उसको काटा है उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको रबिंग करते हैं, उसको रगड़ते हैं। हाँ हाँ, केरोसिन की मात्रा भी उसके ऊपर कुछ लगाई जाती है ताकि उसका जहर कम हो जाए। हाँ जी आप बताइए। शहद, हाँ इस भैया का कहना अगर मधुमक्खी काटती है तो प्राथमिक उपचार के अंदर उसके ऊपर शहद भी लगाया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर जोड़ी फादर है been beaten by a rattlesnake। इस कहानी के अंदर जो हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6, इस कहानी के अंदर जोड़ी के जो पिताजी हैं उसको एक rattlesnake, जो जाति होती है सर्प की, सांप की जो जाति होती है, उसने उसके पिताजी को डस लिया था। क्या कर लिया था? काट लिया था, ठीक है। has been beaten by a rattlesnake, he quickly kill a dog and uses its horn as lever to draw out of the poison Jodi's water. What will happen to the little frog left without a mother? यानी अभी तक हमको पता है कि इसके अंदर एक तो जोड़ी है, ठीक है, और एक फा है, ठीक है। तो अब इस जो जोड़ी के पिताजी को सर्प काट लेता है, क्या काट लेता है, सर्प काट लेता है, और इसके अंदर एक मादा हिरणी मृगशावक साविका, मृगशाविका यानी हिरणी, तो उसको क्या किया जाता है, उसको काम में लिया जाता है। जिस प्रकार अभी हमने प्राथमिक उपचार बताए थे ना, उसी प्रकार जोड़ी के पिताजी को जब सर्प काट लिया, सर्प ने काट लिया, तो तुरंत ही एक मादा हिरणी को मार करके
और उसका हृदय और उसका यकृत तो निकाल लिया जाता है, ठीक है, उसका क्या निकाल लिया जाता है, हाँ, यानी वह शीघ्रता से एक हिरणी को मारता है और इसके हृदय में यकृत का प्रयोग विष को बाहर खींचने के लिए करते हैं। जोड़ी परेशान हो जाता है कि इस छोटे से मृग शव का क्या होगा जो बिना मां के छोड़ दिया गया है, जो बिना मां के यानी उन्होंने उस मादा हिरण जो थी उसको मार करके और उसका यकृत और हृदय निकाल करके और जहां पर उसने सर्प को काटा था उसके ऊपर उसको काम में ले लिया, लेकिन उसका जो छोटा सा बच्चा है, एक साल से भी कम छोटा बच्चा, एक माह से भी या एक साल से भी कम छोटा सा जो बच्चा है, अब उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, तो ये विचार करता है मन में कि मैंने मेरे पिताजी को तो बचा लिया लेकिन इस बच्चे की मां को तो मैंने मार दिया पिताजी को बचाने के चक्कर में, तो अब इस बच्चे का क्या होगा। जॉड इज अलाउड हिज थॉट टू डिप बैक टू द फॉर, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड हैड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज ड्रीम्स आर्म्स ही स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बीसाइड्स पेनीलेस रेस्ट, यानी इसके पिताजी का जो नाम है वो है नाम पेनी, क्या नाम है, पेनी, पिताजी का नाम है पेनी, जो जोड़ी के पिताजी है, क्या है, रेस्ट, जो क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली थी और एकदम बिल्कुल साफ थी, उनकी आंखें खुली थी और बिल्कुल साफ थी, बट पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलिजेंस जोड़ी ओपन एंड क्लियर, बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलिटेड, जोड़ी सेज हाउ आर यू फीलिंग पा, यानी ये अपने पिताजी को कहता है पा, क्या कहता है बेटा पा, अपने पिताजी को क्या कहता है पा, पिताजी आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि जब उसके पिताजी को सर्प ने काट लिया था तब उनको लेटा दिया गया था आराम के लिए, तो वो पिताजी के पास में जाता है और पिताजी के पास में बी साइड का बल होता है दूसरी तरफ पिताजी के पास में जाकर के लेट जाता है और पिताजी को कहता है पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, तो पिताजी कहते हैं हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जस्ट फाइन सन, बेटा मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, ऑल दैट हैज गॉन अ थीविंग स्किल्स वेयर बट वाज नॉट इट ए ट्रॉसेल, आई एग्री, पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कीप योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड पा, यस सर पा, Do you recall the dog and the fox? मतलब dog, dog आपने लिखा था ना? हाँ, dog यानी मादा हिरण। ये कितना है? उसका पेनी से बोलता है उसका बेटा कि उस मादा हिरण के बच्चे का क्या होगा? क्या आपको याद है जिस मादा हिरण को मार करके मैंने आपकी जान बचाई थी? ठीक है, उसका जो छोटा सा बच्चा है अब वो किसके भरोसे है, उस बच्चे का क्या होगा, क्या आपको याद है जिस छोटे से बच्चे की मां को हमने मारा था उस बच्चे का क्या होगा। यस सन कहता है हां बेटा हां मुझे याद है। पा डू यू रिकॉल द डॉ एंड द फॉ, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, उसके पिताजी कहते हैं मैं तो कभी भी नहीं भूल सकता, मैं तो कभी भी नहीं भूल सकता, The poor dog saved me that certain pa, the fox may be out there yet, it might be hungry and very scared, यानी उसके पिताजी क्या कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं जोड़ी ने अपने विचारों को वापिस मृग शव की ओर प्रवाहित होने की अनुमति दी, अर्थात वह बार बार मृग शव के विषय में बातचीत कर रहा था,
वह इसे अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं रख पाया, अर्थात वह अपना ध्यान उसे हटा नहीं पाया, उसने इसे अपने दिमाग में थामे रखा, अपने सौपन में थामे रखा, अपनी बाहों को मेज में समेट कर वे अपने पिता की बगल में जाकर के बैठ जाता है और पेनी शांत लेट जाता है। उसके नेत्र खुले एवं साफ थे, लेकिन गुथलियां अभी भी काली और फैली हुई है। यानी जब जहर जब चढ़ता है ना, तो जब ये आंखों की पुतलियां ना, इन आंखों की पुतलियों के जो ये जो साइड के अंदर जो गहरे हैं, ये भी काले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। जोड़ी ने कहा, पा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा पुत्र, पहले वाली मृत्यु चुराने के लिए अन्यत्र चली गई, अर्थात मृत्यु किसी और का जीवन चुराने के लिए चली गई। यानी मृत्यु तो यहां पर मेरी थी, मृत्यु तो किसकी थी यहां पर? मेरी थी, लेकिन मृत्यु किसकी हो गई? उस माता हरिण की हो गई। किंतु क्या वह खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति नहीं थी? मैं सहमत हूं। पेनी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है लड़के, जिस तरीके से तुमने कठिन परिस्थिति में भी शांत चित्त बनाए रखा और वह किया जो एक आश्चर्यजनक कार्य था। पा, हाँ पुत्र, पा, क्या आप मादा मृग शावक का स्मरण करते हैं? मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, बेचारी हरिणी ने मुझे बचाया था, वह सुनिश्चित है। पा, वह मृग शावक अभी भी वहां पार हो सकता है, वे भूखा हो सकता है और वे डरा हुआ भी हो सकता है। पा, मैं अब एक बड़ा लड़का हो गया हूं, मुझे अब दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़का क्या कहता है? पा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अब दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। Why don't I go and see if I can find the path? पा, अगर आप कहते हैं तो मैं उस मृग शावक को घर पर ला सकता हूं, मृग शावक को घर पे ला सकता हूं। And rising, Penny left Dwight. Penny था वो बिल्कुल शांत चित से एकदम चुपचाप सो रहा था। Staring at the ceiling, ceiling का मतलब होता है छत। ceiling का मतलब क्या होता है? छत। देखिए कहां पर लिखा हमने, हाँ, CEILING, सीलिंग यानी छत। छत जो होती है वो ऊपर वाली, वो है, वो सो रहा था और उस छत को घूर रहा था, छत को देख रहा था। Boy, you got me a him since it that much to rise a path, it will sun soon start eating leaves and acorns. Acorns का मतलब होता है जो पत्तियां होती है। acorns का मतलब देखो, कहां लिखा आपने acorns? ये लिखा acorns, ये रहा पत्तियां, acorns, हां ये acorns। acorns का मतलब होता है बंद फूल, यानी जंगल के अंदर किसी भी प्रकार की पत्तियां होती है या कोई किसी प्रकार का कोई फल होता है, उसको ये उसका बेटा कह रहा है कि अगर उसको घर पे लेके आ जाएंगे तो वो पत्तियां और acorns देखिए बंद फूल खाकर क्या वो बड़ा हो जाएगा। You are smarter than boys of your age. यानी अपनी उम्र के बच्चों में से आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा होशियार हैं। यानी आपकी उम्र के बच्चे इतने स्मार्ट नहीं होते, उनसे ज्यादा स्मार्ट आप हो, उससे ज्यादा होशियार आप हो। उसके पिताजी कह रहे हैं, पेनी कह रहा है अपने बेटे से कह रहा है कि आप इतने होशियार हो। You are smarter than boys of your age. We took its mother and it was not to a blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I cannot say no to you. I never thought I did live to see another. Yani, पेनी कह रहा है अपने बेटे से, मैं आपको मना नहीं कर सकता, उस बच्चे को लाने के लिए मैं आपको मना नहीं कर सकता, आप उस बच्चे को ला सकते हैं और उसको छोड़ देना भी क्या होगा, अनग्रेटफुल होगा, अकृतज्ञ होगी,
यानी अच्छा नहीं होगा ये काम, हम उसको छोड़ करके, एक छोटे से बच्चे को छोड़ करके जिसकी माँ ने तुम्हारी जान बचाई है और उसको हम छोड़ करके अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको अपने घर पर ला सकते हैं। ये आपको छूटे, उसके पिताजी पेनी कहते हैं उसको, आप उसको घर पर ला सकते हैं। कैन आई राइट बैक विद मिल विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब पूछा जो कैन आई राइट बैक विथ मिल विल, एक मिल विल आता है उसका दोस्त होता है वो, है ना, उसका दोस्त होता है वो, उसको कहता है एट सी इफ आई कैन फाइंड इट, आओ मेरे पीछे घोड़े की पीठ पर बैठो और मेरे साथ में चलो, हम उसको ढूंढ करके लेकर के आते हैं, हम उसको ढूंढ करके लेकर के आप मेरे पीछे बैठिए। टेल योर मॉम आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता दो कि मैं उस मृग शावक के जो जो छोटा सा बच्चा है उसको लेने के लिए जा रहा हूं, अपनी माँ को बता दो। He shuddles back to the table and sat down, वह पास के टेबल पे जाकर के बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone, और उसकी माता जी है जो पेनी की पत्नी, वो कॉफी परोस रही थी, क्या परोस रही थी, कॉफी परोस रही थी, और वो बच्चा है वो अपनी माँ को देख रहा था, वो बच्चा अपनी माँ को देख रहा था। He said, माँ, वो बच्चा बोलता है माँ passes, पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, ब्रिंग बैक द फा, यानी उस मृग शावक के बच्चे को लेने के लिए मैं जा सकता हूं। She held the coffee pot in mid-air, और उसका जो हाथ था वो कॉफी की जैसे हवा के बीच में, दोनों के बीच में कॉफी को थामे हुए उसका जो हाथ था, what fa, उसकी माता जी कहती है what fa, कौन सा फा, कौन सा मृग शावक, कौन सा बच्चा, उसको जानकारी नहीं थी तो वो बोल रही वापस, the fa belonging to the dove we killed, उस मादा हरिड़ यानी मादा हरिड़ का जो बच्चा जिसकी हमने पिताजी की जान बचाने के लिए उस मादा हरिड़ की जान ले ली थी, उसका जो छोटा सा बच्चा है, क्या मैं उसको लेने के लिए जा सकता हूं, क्या मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूं, पिताजी ने मुझको अनुमति दे दी है, आप क्या कह रहे हैं। द फॉर बिलोंगिंग टू द डव वी किल्ड, वी यूज द डव लीवर टू ड्रा आउट ऑफ द पॉइजन एंड सेव पा, यानी जिस डव को हमने मारा था और उसका यकृत और हृदय पिताजी के जो रेटल सर्प था जो पिताजी को काटा था, है ना, उसका विष बाहर निकालने के लिए हमने उस मादा हरिण की जान ली थी, उसका जो बच्चा है उसकी बात वो कर रहा है और जिसने पिताजी की जान बचाई थी। कैट वेल फॉर पीजी से पा सेज इट वुड बी ए अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टेव, यानी पिताजी कह रहे हैं अगर हम उसको भूखे मरने के लिए अगर छोड़ देते हैं, अगर उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं, स्टेव यानी होना भूखा मरना, अगर हम उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये काम अच्छा नहीं होगा, ये काम क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये काम अनग्रेटफुल होगा। आगे देखिए, पासेस इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव, डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन सेड यानी डॉक्टर विल्सन सेड क्या कह रहे हैं, दैट्स राइट, ये सही है, मॉम मॉम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी राइट, यानी बच्चा भी सही है और इसके पिताजी भी सही कह रहे हैं, ऐसा करना गलत होगा कि हम उस बच्चे को अकेला छोड़ दें भूखा मरने के लिए, यानी उस बच्चे को हमको घर पे लाना चाहिए।
मिलविल सेड, मिलविल कहता है He can ride back with me. आओ मेरे पीछे बैठो और जल्दी से तुरंत चलो. I will help him find it. मैं उसको तलाशने में आपकी सहायता करूंगा. He sat down, वह बैठ जाता है. The pot help easily. Well, if you will give it your milk, we got and nothing else to feed it. यानी उसकी माँ उसको कह रही है, अगर तुम उसको दूध पिला सकते हो, तुम अपना उसको दूध पिला सकते हो तो तुम उसको घर पर ला करके रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास में उसको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है. उसकी माँ उसको कह रही है. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी विल गॉट टू कैच अ राइडिंग मॉम. डेक्स्टर, माँ का नाम क्या है? डेक्स्टर. आस्क्ड देम, अनएक्शन, यू विल नॉट बी Gone long. उसकी माँ कह रही है, तुम लंबे समय के लिए तो नहीं जाओगे ना, तुम लंबे समय के लिए मत जाना. ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय के लिए दो दिन, तीन दिन, चार दिन, इतना तो लंबा समय के लिए नहीं जाओगे ना. तो जोड़ी says, I will back before dinner for sure. यानी जोड़ी कह रहा है, माँ मैं रात्रि के भोजन से पहले पहले लौट आऊंगा. रात्रि के भोजन से पहले पहले लौट आऊंगा. मिल mounted his horse and pulled Jodi up behind him. When he Jodi को अपने पीछे बिठा करके और घोड़े को मोड़ करके रवाना हो जाते हैं. He said to Millville, Do you think the fog is still there? Will you help me find him? वो कह रहा है Millville से, आप भी मेरे को सहायता प्रदान करेंगे उसको खोजने में. आप भी मेरी सहायता उसको खोजने में प्रदान करेंगे. We will find him if he will alive. How? You know it. He, thy thoughts were all in a line on a dove passage. Thy thoughts are very which way. यानी निश्चय ही उसको भूखा छोड़ना अकृतज्ञता होगी. उसको निश्चय रूप से अपने घर पे लाना ही चाहिए. इसका एक चरण पूरा कर लिया हमने और आपके सामने ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं. अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना, थॉट्स का मतलब होता है विचार करना, ड्रीम्स का मतलब होता है स्वप्न, और पीपल्स का मतलब होता है पुतलियां, और डायरेक्टिव्स का मतलब होता है फैली हुई, और थिंग्स का मतलब होता है चुराना, और एल्सवेयर का मतलब होता है अन्यत्र दूसरे स्थान पर, और एक्लॉज सेव का मतलब होता है खतरे से बचना, और रिक्लेक्ट का मतलब होता है याद करना, डाउ का मतलब होता है मादा हरिण, और फॉन का मतलब होता है मृग शावक, और स्क्रेट का मतलब होता है डरा हुआ, और रईस का मतलब होता है पालन पोषण करना, लेकवाइज का मतलब होता है शांत रहना, और स्टेलिंग्स का मतलब होता है घूरना, सीलिंग का मतलब होता है छत, और हैंड इन का मतलब होता है असमंजस स्थिति में पड़ जाना, और एक्रॉन्स का मतलब होता है बंज पुल, और स्टॉक का मतलब होता है भूखे मरना. तो आपको ये मीनिंग्स है वो घर से करने हैं, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. इस एक चरण के कल क्वेश्चन आंसर करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.